मोगा में बाल दिवस के मौके पर स्पेशल बच्चों के लिए रेड क्रॉस स्कूल की शुरुआत की गई है। यह स्कूल कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन अब स्पेशल बच्चों के अभिभावकों की मांग के चलते डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने इसकी शुरुआत की है। इस स्कूल को गोधेबाला के सरकारी प्राइमरी स्कूल की एक अलग बिल्डिंग में बनाया गया है, जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाएंगी। कोविड काल तो पहला भी ये स्कूल चलता सीगा, फिर उदों बंद हो गया। उस तो बाद सबब नहीं बनया कि ये दोबारा चल सके, पर जेड़े बच्चे इत्थे पहला पढ़ते सी, जेड़े एजुकेशन सिस्टम तो बाहर ने, जां 18 साल की उम्र तो वध वाले ने, वो घर दे विच बैठे ने, उन्हां दी कोई डिवेलपमेंट नहीं हुंदी जिन्नी हो सकती है, उहदे तो भी वो वांझे रह जांदे ने। तो इस करके ये सोचा गया, डिमांड बड़ी सीगी भी वो बच्चे घर दे विच हाइपर भी हो जाते हैं, क्योंकि एको ही माहौल दे विच रहिंदे ने, उन्हां नूं बच्चों दे विच निकल के खेडण दा मौका नहीं मिलता, खुलण दा मौका नहीं मिलता। उस तरीके नाल पेरेंट्स की भी बड़ी वड्डी प्रॉब्लम सी, सारा दिन एक बच्चे नूं सांभण ते लगे रहिंदे आ। हुण जिन्नी देर वो 5-4 घंटे लई स्कूल दे विच आ जांदा, उन्नी देर पेरेंट्स भी अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी जां घर दे होर कामकार कर लैंदे आ, ते बच्चे भी खुश रहिंदे आ। ये सारिया चीज़ों के मद्देनज़र अज ये रैड क्रॉस वाला जिहड़ा विशेष लोड़ां वाले बच्चों का स्कूल रीओपन किया गया तकरीबन 3 साल बाद।